ही हो गए। आपने सुना नहीं मैंने पहले क्या कहा था, वो भूल गए। मैंने कहा आपके साथ बैठना अच्छा लगता है, तो संभवतः जवाब उसी में। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलता हूँ, एक एक शब्द नाप के बोलता हूँ। तो उत्तर प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पर अवनीश अवस्थी मौजूद हैं, तो बता दें आपको जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं भारत में, और इसका जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का वो 33,000 पार हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लोकभवन में 10:30 बजे आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ली। आपके संज्ञान में है कि जिस प्रकार कोटा से छात्रों को लाया गया हमारे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जिस तरह से उन्होंने हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके हरियाणा के हमारे श्रमिक भाई और जो हमारे कामगार हैं उनको बुलाया, जिस तरह उन्होंने प्रयागराज के छात्रों को अपने घर भेजा, लगभग उसी रूप में जो गाइडलाइंस हैं वो भारत सरकार की अब आ गई हैं, उस कड़ी में आज ये महत्वपूर्ण बैठक भारत सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें डायरेक्शंस दिए हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि अन्य राज्यों में जो हमारे प्रवासी कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो उन्होंने अपील की है कि पैदल यात्रा ना करें। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, हर प्रवासी श्रमिक को, हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है, चरणबद्ध रूप से इस व्यवस्था को किया जा रहा है, और इसी क्रम में प्रत्येक राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के हम सभी लोगों को आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हम लोग वार्ता करें। मुख्य सचिव और गृह विभाग सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके एक एक प्रदेश के लोगों को लाने की चरणबद्ध योजना आयोजित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि लोग पैदल यात्रा न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार यदि संबंधित राज्यों से सूची प्राप्त कर लेगी अपने प्रवासी श्रमिकों की, जिसमें नाम, पता, टेलीफोन नंबर और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति अगर उपलब्ध हो जाएगी, तो उनको सुरक्षित वापस लाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। जिस प्रकार हरियाणा राज्य से हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक श्रमिक आए, एक एक श्रमिक का डेटाबेस तैयार हुआ, उसका नाम, पता, उसका मोबाइल नंबर, उसका गृह जनपद, किस क्वारंटाइन कैंप से वो चला है हरियाणा से, और हरियाणा ने एक अच्छी चीज की, उन्होंने उनका आधार नंबर भी डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छा डेटाबेस, परमानेंट डेटाबेस हमारे कामगार भाइयों का, हमारे श्रमिकों का बन गया। और अब उनसे जो है निरंतर आगे प्रदेश सरकार में और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हम निरंतर संपर्क में रहेंगे, एक अच्छी व्यवस्था लागू की गई। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि हम लोग, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय स्वयं भी सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके चरणबद्ध रूप से लोगों को वापस लाएं।
तो किसी को भी अनावश्यक रूप से पैदल चलकर आने की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि लगभग दिल्ली से हम लोग 4 लाख से अधिक लोगों को जो है बसों से लाए थे जब दिल्ली बॉर्डर पर लोग पहुंचे थे। हरियाणा से 12,000 जैसा मैंने जिक्र किया लाए हैं। राजस्थान से 11,500 छात्र आ चुके हैं। प्रयागराज के 15,000 छात्र जा चुके हैं। तो ऐसे में कामगारों को श्रमिकों को प्रभावी रूप से लाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन एक चीज पुनः रिपीट कर रहे हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही कोई भी हमारे बॉर्डर के अंदर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये भी दिया है कि हम अन्य प्रदेशों से चूंकि कार्य योजना आगे बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने परसों अनुमति हमें दे दी थी, आज मध्य प्रदेश से बसें आना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश से लगभग 3,000 से अधिक लोग आज आएंगे। 100 बसें मध्य प्रदेश की हमारे प्रदेश में चल चुकी है और 40 बसें हमारे प्रदेश से जो मध्य प्रदेश के कामगार और श्रमिक थे वो मध्य प्रदेश आज भेजे जा रहे हैं। यानी आज ही आज में मध्य प्रदेश से हमारे जो एक्सचेंज होना है वो पूरा हो जाएगा। और मध्य प्रदेश से जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो 2 स्थानों से कर रहे हैं, झांसी और प्रयागराज। यानी झांसी और प्रयागराज के जिलाधिकारी वहाँ व्यवस्था करके हमारी रोडवेज बसों को वहाँ तक पहुँचा कर वहाँ से उनके यहाँ से जो बसें आ रही हैं अपने श्रमिक और कामगार को अपने प्रदेश के जनपदों में भेज रहे हैं और उनके लोगों के जो बसें आ रही हैं वो अपने प्रदेश में अपने जनपदों में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले चरण में आदेश दिया है कि गुजरात से जो लोग हैं उनको भी अगर सूची गुजरात की बन जाती है श्रमिकों की हमारे कामगारों की तो उनके गुजरात से लाने की व्यवस्था की जाए। गुजरात से स्वतः ही बहुत सारे वाहनों से जो है गुजरात सरकार ने आज हमें बताया है कि वह व्यवस्था कर रहे हैं और वहां पर जो है विशेष रूप से कुछ जनपद ऐसे हैं जहां ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग हैं गुजरात से व्यवस्था की जा रही है। आज ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड और राजस्थान से भी हमारी कार्य योजना बन जाए तो उत्तराखंड और राजस्थान से भी कार्य योजना बन गई है और बहुत जल्दी ही अगले 2-3 दिन के अंदर उत्तराखंड और राजस्थान से भी हमारे जो श्रमिक वहां हैं फंसे हुए और जो उनके लोग यहां हैं क्वारंटाइन सेंटर में वो आदान प्रदान हो जाएगा। हम ये जरूर बताना चाहेंगे पुनः कि मेडिकल टेस्ट जरूरी होगा, उनकी सूची बनकर आना जरूरी होगी। कई प्रदेशों से फोन कॉल आ रहे हैं तो वो अपने प्रदेश के जो भी जिला क्वारंटाइन सेंटर वहां रिपोर्ट कर दें अन्यथा उनको आने में कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के बॉर्डर को सील करने का बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर सतर्कता बरती जाए और नेपाल राष्ट्र से या अन्य राज्यों से बगैर अनुमति के कोई प्रदेश में ना आए ये इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा है। आपको मालूम है कि प्रदेश में हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या क्वारंटाइन सेंटर्स की और पूरे देश में सबसे ज्यादा क्षमता क्वारंटाइन सेंटर्स की हो गई। 7 लाख क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को रखने की क्षमता हो गई थी, आज मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस क्षमता को 10 लाख क्वारंटाइन सेंटर तक में लोगों के रहने की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर और शेल्टर होम के लिए बड़े कॉलेजों का उपयोग किया जाए, बड़े इंस्टीट्यूशन आजकल खाली हैं उनका इंस्टीट्यूशन का जो है उनका इस्तेमाल हो, कम्युनिटी किचन शौचालय और सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़कर ये भी निर्देश दिया है कि इन क्वारंटाइन सेंटर से जब लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं उसकी कार्य योजना भी आज उन्होंने विस्तृत रूप से उसकी समीक्षा की है। होम क्वारंटाइन में जाने के लिए गाँव में समितियाँ बनाई जाए, युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, NSS और NCC के लोगों का सहयोग लिया जाए और वहाँ भोजन महिला स्वयं समूह तैयार करें, ये आदेश भी आज उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर शेल्टर होम में प्रवासी श्रमिकों का जब तक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो जाएगा तब तक उनको होम क्वारंटाइन में नहीं भेजा जाएगा।
तो ये जो दोहरा चेकअप होगा, एक उस प्रदेश से चलने पर, एक हमारे प्रदेश पर पहुंचने पर, इस व्यवस्था को बहुत मजबूती से लगाया जाएगा। घर भेजते समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा पहले कहा था, राशन का किट भी हर व्यक्ति को दिया जाएगा। एक बढ़िया सुंदर और काफी उसमें जो है राशन की व्यवस्था होगी, और ये किट राजस्व विभाग ने तय किया है, तो मुख्यमंत्री जी के आदेश से हर व्यक्ति राशन भी घर साथ में लेकर जाएगा, जिससे कि इमीडिएट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जा सके। छात्रों के प्रति आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी का रुख छात्रों के प्रति एक विशेष उनका लगाव है, विशेष रूप से छात्रों के लिए कुछ भी जहां भी बिंदु आता है उनका जो है व्यक्तिगत रूप से वो हम लोगों ने खुद देखा है कि उसमें वो स्वयं ही एक एक चीज को देखकर छात्रों से और छात्रों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये दिया है कि नोएडा और दिल्ली और साथ साथ अलीगढ़, इस इन जगहों पर यदि हमारे छात्र कहीं अटके हैं तो अब उनको भी घर भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। नोएडा, दिल्ली और अलीगढ़, उनको जो है नोएडा के जिलाधिकारी को, नोएडा के पुलिस कमिश्नर को, अलीगढ़ के जिलाधिकारी को, अलीगढ़ के एसएसपी को, उनको सबको आदेशित किया जा रहा है कि वो अब उनको बच्चों को भेजने की व्यवस्था करें। और दिल्ली सरकार से हमें गृह विभाग, चूंकि नोडल विभाग है, हमें आदेश किया गया है कि हम लोग दिल्ली सरकार से संपर्क करके वहाँ जो छात्र रुके हुए हैं उनकी सूची बनवाकर, स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको भी हमारे अपने राज्य में लाने की व्यवस्था की जाए। संबंधित प्रदेश सरकार सहमत होगी तो हमें लाने में आसानी होती है। ऐसे में हम पूरा एक प्रस्ताव भेजेंगे संबंधित राज्य सरकारों को और कार्य योजना के रूप में उनको वापस लाएंगे। मैं पुनः रिपीट कर दूं, नोएडा, अलीगढ़ और दिल्ली के छात्रों को लाने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है। इसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश से ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात से लाने का आदेश कर दिया है। तो ऐसे में काफी मात्रा में लोग आएंगे, छात्र आएंगे, प्रवासी हमारे मजदूर आएंगे, हमारे प्रवासी जो है श्रमिक आएंगे, तो ऐसे में इन सबको लाने की व्यवस्था अब हम लोग करते चले जा रहे हैं। और यूपी रोडवेज, रोडवेज जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और बहुत ही प्रभावशाली भूमिका जो है इसमें अपना रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की तत्काल व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त वेंटिलेटर्स में भी उन्होंने आदेश ये दिया है कि पोर्टेबल वेंटिलेटर्स अब मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको जल्द से जल्द कोविड फंड से खरीदा जाए। इंफ्रारेड थर्मीमीटर की सभी जगह जरूरत होगी, प्रवासी श्रमिकों को सुगमता से जांच के लिए जरूरत होगी, इनको भी खरीदा जाए। L2 अस्पताल में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन हो, L3 में वेंटिलेटर हो, इसकी व्यवस्था तुरंत कर ली जाए। आज उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जो COVID-19 के उपचार में सक्षम निजी चिकित्सालय हैं, उनको भी जो है अनुमति दी जाए। और इसके अलावा आज ही प्रदेश सरकार ऐसे चिकित्सालयों की भी सूची जारी कर रही है जिसको प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं को लागू करने का आदेश दिया है। ये भी सूची बहुत जल्दी जो है आपको, बहुत जल्दी मीडिया को भी मिल जाएगी। हमारा निवेदन ये जरूर रहेगा, कोई भी हमारा जो है अगर रोगी है, उसके परिवारजन हैं, वो निर्धारित जगहों के अतिरिक्त कहीं ना जाएं, निर्धारित जगह पर ही जो है अपना उपचार कराएं। मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग के लिए समस्त संसाधनों को और मजबूत करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा और लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्वविज्ञान संस्थान तथा बीरबल सानी पुरर विज्ञान संस्थान जैसे उच्च स्तरीय संस्थानों में जहाँ बायोकेमिस्ट्री लैब्स हैं पहले से, वहाँ पर भी आगे व्यवस्था कोविड की टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं।
सहारनपुर की लैब को क्रियाशील किया जाए, इसका भी आदेश दिया है, और एक सप्ताह के अंदर प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर उत्तर प्रदेश को टेस्टिंग में नंबर वन राज्य बना दिया जाए, ये भी उन्होंने मार्गदर्शन और ये भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने आयुष के चिकित्सकों, नर्सिंग और पैरामेडिकल के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी देने का निर्देश दिया है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों को हम लोग, ऐसे छात्रों को, ऐसे वॉलंटियर्स को हम लोग अपने कार्य में लगा सकें। L1, L2, L3 कोविड अस्पतालों में 52,000 बेड की व्यवस्था का कल उन्होंने निर्देश दिया था, आज उन्होंने ये भी निर्देश दिया है आगे देखते हुए कि इस व्यवस्था को कैसे 1,00,000 बेड तक ले जाया जा सके, ये भी कार्य योजना कम से कम बनाने का निर्देश उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, इस पर विशेष बल देने के लिए कहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ही एक कुछ ऐसी सरकारों में है जहां कहीं भी सरकारी तंत्र का वेतन कहीं रुका नहीं है और समय से मिला है, और इस महीने भी समय से वेतन मिल रहा है। ऐसे में वेतन देने के लिए आवश्यकता तब, इसलिए वेतन देने की आवश्यकता को देखते हुए इस बात की भी आवश्यकता है कि वैकल्पिक स्रोतों से राजस्व की वृद्धि हो, इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित करने का और उसमें कैश फ्लो में वृद्धि लाने की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है, निवेश को भी बढ़ाने का निर्देश दिया है, और उसके अंतर्गत उन्होंने आवास विभाग को आदेश दिया है कि वो फ्री होल्ड की कार्रवाई जो करना है वो लाएं, कंपाउंडिंग की जो कार्रवाई है इसको भी जो है आगे बढ़ाएं, जिससे कि राजस्व की वृद्धि भी हो, लोगों का काम भी हो जाए। प्रत्येक खाद्यान्न गोदाम में एक अधिकारी तैनात करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है, राशन की दुकानों पर भी एक अधिकारी तैनात हो, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, घटतौली ना हो, इसके लिए भी उन्होंने आदेश दिया है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लिए हैं, और इसी क्रम में जो है मैं आज ये बताना चाहूँगा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य नहीं है आज, वो बैठक में है, एक्टिव इन्फेक्शन यूपी में अब 1651 है, 1651, मात्र 1651, जो कुछ मरीजों की मृत्यु हुई है वो है 39, डिस्चार्ज मरीज जो है जो घर जा चुके हैं स्वस्थ होने के बाद 513 है, और मैं आपको बताकर खुशी होगी कि कुछ जनपदों में डिस्चार्ज मरीजों की संख्या काफी हो गई, मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां अच्छी खासी संख्या में लोग डिस्चार्ज हो गए, लखनऊ में भी डिस्चार्ज हो गए, तो ऐसे में काफी डिस्चार्ज के मरीज हैं। पूल टेस्टिंग कल 520 पूल हुए हैं टेस्टिंग, जिसमें 2252 सैंपल टेस्ट हुए हैं, और पूल टेस्टिंग में केवल 14 टेस्ट जो है पूल टेस्टिंग पॉजिटिव आई है, 14 out of 520। कुल भेजे गए सैंपल 3823 कल सैंपल इतने भेजे गए, लेकिन टेस्ट किए गए सैंपल 4795 है, यानी सैंपल की टेस्टिंग की क्षमता 5000 तक पहुंच रही है, जहां हमारे प्रदेश में नगण्य थी ये संख्या, वो अब जो है 5000 तक पहुंच रही है, इसको भी और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। 60 जनपदों में संक्रमण आए हैं, लेकिन इन 60 जनपदों में से 6 जनपद ऐसे जहां एक्टिव इन्फेक्शन अब नहीं है, यानी केवल 54 जनपदों में एक्टिव इन्फेक्शन है, जो हमारे संक्रमित मरीज हैं उसमें से 77.5% पुरुष हैं और महिला 22.5% है, यानी 3/4 हिस्सा पुरुषों का है, 1/4 हिस्सा महिलाओं का है। इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग मजबूती से काम कर रहा है, आपको मालूम है कि पिछले 2 दिन में जो संख्या आई है, आज जो मेरे पास चार्ट आया है 69 केसेस का चार्ट आया है, यानी अब जो संख्या आ रही है वो डेली ग्रोथ 5-6% की है, जो काफ़ी कम है, और देश के जो एवरेज है उसमें हमारा एवरेज जो है काफ़ी कम है, और इस वजह से
उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है हमारी संख्या, क्योंकि ग्रोथ की संख्या कम है, तो इससे हम कह सकते हैं कि कुछ शहरों में जहां फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हुआ है, वहां से हमको फायदा इस बात का मिला है कि पूरी प्रदेश की संख्या हमारी फ्लैटन होती हुई दिखाई दे रही। ये जरूर है कि कुछ जनपदों में अभी नंबर्स ज्यादा हैं, वहां जल्दी से जल्दी ऐसे लोग स्वस्थ होकर घर जा सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जहां आवश्यकता है जो मरीज है उसको ऑक्सीजन बेड पर भिजवा दीजिए, जहां कहीं ओल्ड पेशेंट है, जहां कहीं जो है वृद्ध पेशेंट है, तो उसको हायर फैसिलिटी में भेज दें, जिससे कि कोई रिस्क ना हो। काफी बेड्स खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसे में जब क्षमता बेड्स की ज्यादा है तो पेशेंट्स को अच्छे से अच्छी सुविधा मिल जाए, शुरुआत में ऑक्सीजन मिल जाए, या अगर जरूरत पड़े तो उसको जो है वेंटिलेटर बेड पे मिल जाए, तो इससे कई पेशेंट्स को बचाने में हमको फायदा मिलेगा। हमारे यहाँ डेथ रेट भी पूरे देश में सबसे कम में से है, हमारे यहाँ जो है जो इन्फेक्शन रेट भी पूरे प्रदेश में अगर पर 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से देखें काफी कम है, तो ऐसे में काफी अच्छा कार्य हुआ है और इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी बैठक की है। हमारे श्रमिकों को, छात्रों को लाने के लिए जो निर्देश दिया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ जो निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं उनके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। अब यूपीडा के माध्यम से जो निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, तो कुल मिला के 11,000 से अधिक श्रमिक यूपीडा में कार्य कर रहे हैं, और ये भी हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर लगभग 5,000 से ज्यादा मशीनें एक्सप्रेस वे पर काम करना शुरू कर दिया। पीडब्ल्यूडी के कार्यों को अगर देखें तो कुल 14,400 से अधिक करोड़ के कार्य शुरू हो गए हैं, ये भी आज फिगर और बढ़ जाएगी। और इसके अलावा हम ये भी बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ग्राम विकास विभाग के पंचायतों के अधीन अब जो संख्या है वो काफी संख्या बढ़ गई है, और वो भी संख्या अब 10 लाख अकुशल श्रमिकों तक पहुंच जाएगी, ऐसी हमको संभावना है। इसके अलावा जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर हैं उन पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है। जो अभी तक हमारे पास सूचना आई है उसके अनुसार इस कल जो है 12,77,000 फूड पैकेट बांटे गए हैं, कल करीब करीब जो है राशन कार्ड का वितरण भी अब 3,31,00,000 कार्ड का हो गया है, 3,55,00,000 में से तो कार्य पूरा हो गया है, और कल यानी 1 मई से राशन का नए सिरे से वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि गेहूं की खरीद में भी काफी सुधार हो गया है, हालांकि मौसम बीच में प्रतिकूल था, अब तक 86,00,000 क्विंटल गेहूं खरीद दिया गया है, और कृषि विभाग ने हमें बताया है कि 97% गेहूं और जो अन्य फसलें हैं वो 97% कट गई हैं, यानी हार्वेस्टिंग लगभग लगभग पूरा प्रदेश में हार्वेस्टिंग पूरी हो गई है। ये भी एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि कृषि और कृषि कार्यों में जो अपेक्षित तेजी लानी थी वो तेजी लाई गई है, और अब कृषि कार्य में भी हार्वेस्टिंग का कार्य लगभग लगभग पूरा हो गया है, कुछ ही जगहों पर थोड़ा बहुत कार्य रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः अपील करना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रदेश में आ रहा है उसको एक व्यवस्था के अनुरूप लाया जाएगा, ऐसे में कोई भी व्यक्ति पैदल चल के या साइकिल से किसी तरह से दूर दूर से ना आने की कोशिश करे, वो अपने स्वास्थ्य के लिए प्रति ध्यान रखे और किसी भी रूप में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि उनको कहीं प्रतिकूल समस्या हो, और प्रदेश सरकार के बॉर्डर पर हम लोग ने सील कर रखा है तो ऐसे में कहीं कोई कठिनाई होगी, वो हर हालत में हर जो हमारा प्रवासी श्रमिक है वो जिस प्रदेश में भी है अपने प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर जो उस जिले में खुले हैं वहीं रिपोर्ट करें। हम हर प्रदेश सरकार से संपर्क में हैं, मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार चरणबद्ध रूप से एक एक प्रदेश से हम उनका आदेश का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित घर लाएंगे। धन्यवाद।
तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप यहाँ देख रहे थे, जहाँ पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कोरोना के अपडेट को लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1651 फिलहाल एक्टिव केस हैं और 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 513 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं पर जो उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हैं, श्रमिक हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की मुहिम जारी कर दी गई है, उनको वापस लाया जा रहा है। तो उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। देवभूमि के कण कण की, सभ्य जनतंत्र के, हर शहर के, वादी और पर्वतों के गांव से, मेरे उत्तराखंड में, पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको, हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अब्रार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जय कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार, के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज, मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।